अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास मौजूद है सनब्रेला सनस्क्रीन का सन ब्लॉक, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सन ब्लॉक को यूज़ करने का तरीका और सन ब्लॉक के फ़ायदे बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप तमाम डिटेल्स हासिल कर सकें। जी तो व्यूअर्स, मेरे पास जो सन ब्लॉक मौजूद है वो है सनब्रेला सनस्क्रीन। ये बहुत ही अच्छा सन ब्लॉक है और ये SPF 50 है। ये आप अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सूरज की रोशनी से, यानी जो सूरज की रोशनी की तेज़ वो अल्ट्रा रेज शुआएँ आती हैं वो आपकी स्किन को बर्न करने देती हैं, आपकी स्किन को वो जला देती हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। वैसे तो सूरज हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन सूरज की जो रोशनी है यानी जो धूप है वो हमारे लिए सुबह के टाइम की बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सुबह की धूप और शाम की धूप, यानी जब सूरज निकल रहा होता है जो धूप निकलती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है यानी शाम की धूप, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जो दरमियान का टाइम है, दोपहर का टाइम, और स्पेशली जो गर्मियों में जो दोपहर का टाइम है, वो जो धूप है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर आप सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सनब्लॉक का इस्तेमाल ना करने से फेस पर या फिर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके स्किन पर दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा सबसे जो मेन मसला है, पाकिस्तान में वैसे धूप तेज़ होती है तो जो फीमेल्स होती हैं तो ख़वातीन के फेस पर अक्सर छाइयाँ पड़ जाती हैं, यानी जिसको आप मलाजमा या फिर पिगमेंटेशन कह लें, तो वो जो छाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं फेस पर। तो उस सब को जो है रोकने के लिए आप सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। तो ये जो सनब्रेला का सनस्क्रीन सनब्लॉक है, आप ये इस्तेमाल ज़रूर करें, ये पिगमेंटेशन के लिए और स्किन पर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा सनब्लॉक है। और ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है और सूरज की जो धूप है, किरणें हैं, जो नुकसानदायक किरणें हैं, उनसे आपकी स्किन को महफूज रखता है। जो लोग, जो ख़वातीन कुकिंग करती हैं, वो किचन में जाने से पहले इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथों पर और अपने फेस पर, अपने नेक पर अप्लाई कर लें, ताकि जो वो हीट में खड़े होकर खाना बनाती हैं तो उनकी स्किन ख़राब ना हो। और इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं यानी एथलीट्स वगैरह के, जो कि फुटबॉलर या फिर क्रिकेटर वगैरह हैं या कोई भी प्लेयर हैं, वो गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स खेलने से पहले वो भी अपने स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सनब्लॉक हैं, तो मैं आपको सनब्रेला सनस्क्रीन के बारे में ही क्यों बता रही हूँ। तो ये इसकी वाहिद वजह ये है क्योंकि ये डॉक्टर का रिकमेंड करदा सनब्लॉक है। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे पेशेंट्स को ये सनब्रेला का सनस्क्रीन सनब्लॉक सजेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार यूज़ करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये सनब्रेला का सनस्क्रीन सनब्लॉक कैसा लगा। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कोई और सनब्लॉक भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें SPF 50 ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा आप अपनी स्किन पर बहुत सारे क्रीम्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको भी रिमूव करने में ये अहम किरदार अदा करता है। इस सनब्लॉक में विटामिन ई है, जिंक है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है या स्किन जल गई है किसी क्रीमों के साइड इफ़ेक्ट से या फिर धूप में जाने की वजह से, तो आप इस सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 560, यानी 560 रुपये इसकी प्राइस है। आप इसको परचेज़ करें, मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। और अब बात करते हैं कि इसको कितने टाइम में यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किचन में जा रहे हैं या फिर धूप में जा रहे हैं, तो
उस जाने से पहले आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपने फेस पर, अपने नेक पर, अपने हाथों पर अप्लाई करें, और फिर आपने अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रहना है तो 2 घंटे के बाद आप इसे रीअप्लाई कर सकते हैं, यानी इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ली है और अब मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये इस तरह से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। और मैं अब आपको दोनों हाथों का डिफरेंस भी दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने लेफ्ट हैंड पर यूज़ किया सन ब्लॉक और राइट हैंड पर नहीं किया है। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें आप, और आपको कैसा लगा है ये सनब्रेला का सनस्क्रीन सन ब्लॉक, इसको यूज़ करें। मुझे तमाम आप इसकी डिटेल बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल कुकिंग फैशन हेल्थ ब्यूटी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।